दूर रहोगे? मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए प्लीज। हाँ थोड़ा उस तरफ सैंडविच बहुत अच्छा मिलता है, सॉस भी ज्यादा देते हैं और प्राइस भी कम है। ओके? पता नहीं लाइफ में इतना स्पेस लेके क्या करेगी। अरविंदा, ए, अरविंदा, सुनो। बात बात पर लोगों को दूर रहने को कहोगी और घर के गार्ड्स की तरह ट्रीट करोगी तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही ना। 1.5 साल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब भी मैं तुमसे बात करने आता हूँ तो कहती हो स्पेस रखो स्पेस रखो। मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, जवाब नहीं दिया तो सुसाइड कर लूंगा और लेटर में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्यों? मेरे हंसने से तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम गुस्सा कर रहे हो, मुझे समझ आ रहा है। अरविंदा जी, मैं शांताराम की तरह शांत हूँ, पर तुम अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हो? मैं तो खुश हूँ, तुम नहीं हो। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? किसने कहा कि मैं गुस्से में हूं? मैं गुस्से में नहीं हूं। बकवास करना बंद करो, आई एम गुड। यही क्यों? तुम्हें कैसे पता चला मैं अंदर से गुस्से में हूं? जो हम बाहर से दिखते हैं वो अंदर से होते नहीं। सैंडविच बहुत अच्छा था ना? टफ तो तुम बहुत लगते हो, बस मेरी बातों को सुनते रहना। एक कॉफी ले लो। राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाहर आने के लिए तुम इतने बेचैन थे, अब सुपारी गैंग जेल जाएगा। नल्लागुड़ी के वजीर रेड्डी का बेटा वापस आ गया है। हमारे छोटे मालिक यहाँ पर नहीं है और जो बाल रेड्डी है ना वो उनको ढूंढ रहा है। अगर तुम उस गांव के कुछ लोगों को मार दोगे तो क्या छोटे मालिक लौट आएंगे? माँ जी कुछ भी कहे, मुझे लगता है हमें हैदराबाद जाके सुदर्शन रेड्डी से मिलना चाहिए, नहीं तो छोटे मालिक का पता नहीं चलेगा। अब तो मुझे पेल भी मिल गई है। अब आप उस सुपारी गैंग की चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे तब किसी ने पीछे से आकर यहां खंजर से वार किया था। मुझे उस दर्द से तब तक छुटकारा नहीं मिला जब तक मैंने उन्हें मारा नहीं। न जाने इससे उबरने के लिए कितना रोया हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने उस सदमे को भूलने में मदद की, चेहरे पर मुस्कान लाई। जानते हो इसमें अजीब बात क्या है, उसका और मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसा ही है और इसीलिए जो बात वो कैजुअली बोल देती है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जो इंसान सही वक्त पर बोलता है ना उसकी बात की उतनी कीमत होती है नीलांबरी, और फिलहाल यही सही वक्त है कि अरविंदा बोले और मैं सुनूं। ये लो, ना घर तुम्हारा है और ना घर तुम्हारा है, कोर्ट का है। कोर्ट का? देखा देखा तेरी वजह से क्या हुआ? वजह से नहीं, आपकी वजह से। हाँ मुझे पता है, 25 तुम्हारा लकी नंबर है। बालू ये झगड़ क्यों रहे हैं? ये कोई आसान केस नहीं था मेरे लिए। उस जैकेट वाले का नाम है अमानुल्लाह और दूसरे वाले का नाम है सुभान अल्लाह। दोनों भाई हैं, पुरान पुल में उनका एक बंगला है। प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट, एक फीट ज्यादा इसको चाहिए एक फीट ज्यादा उसको चाहिए। 20 साल से झगड़ रहे हैं दोनों, एक स्क्वायर फीट के लिए झगड़ रहे हैं। मैं जाकर सॉल्व करके आता हूं। नहीं तुम मत जाओ यार, पिछले 20 सालों से उनसे जो फीस मिली है उसी से ये बंगला बना है। वैसे भी उनका ये फर्स्ट और लास्ट सिविल केस है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए यहाँ क्यों आए? केस क्लोज होने तक ये बंगला किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। वही नोटिस लेने के लिए ये लोग आए हैं। ये बेचारे बिना घर के कैसे रहेंगे? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इन्होंने अपने बंगले के सामने एक फ्लैट रेंट पे लिया है, लोग वही रहते हैं। रेंट पर? अरे
अरे बहुत इज्जत कर ली आपकी, चाहिए उन बेचारे भाइयों के पास उस पुरानी कार और खटारा स्कूटर के अलावा कुछ नहीं बचा, तुमने सब छीन लिया। सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता, इस केस से मेरे गुरु का सेंटीमेंट जुड़ा है, इसीलिए इन दोनों भाइयों को आपस में रिटायरमेंट होने तक झगड़ते ही रहना होगा। अमानुल्लाह जल्दी घर खाली करो, सरकार आने वाली है, जाओ जाओ। अरे बैठना। छी, इतने गिरे हुए इंसान। अरविंदा जी, बुरी नजर से मत देखिए, कामसूत्रा लगेगा, नॉर्मल नजर से देखिए, कॉमन सूत्रा लगेगा। मुझे बाहर जाना है, तुम आ रहे हो या तुम्हें और क्रैम्प्स लेने हैं? ये बचपन से ऐसा ही करती आई है, किसी भी बात पे चढ़ जाती है, बहुत जलती है मुझसे। राघव जाओ जाओ, वरना मेरा दिमाग खाएगी। आ रहे हो तुम? जाओ ना। जाओ। राइट ले लो। हमें लेफ्ट जाना है ना? हाँ, वहाँ बहुत ट्रैफिक होगा। ओके। राइट ले लो। छोटे मालिक। अरविंदा, मुझे एक छोटा सा काम है, तुम ड्राइव कर लो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सडन प्रोग्राम मत रखा करो राघव, आई डोंट लाइक ऑल दिस। बस एक बार प्लीज। ठीक है, रोको। ओके। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। सर ऑर्डर प्लीज। इन्हें ऑर्डर करना नहीं आता और मेरे पास उतना वक्त नहीं है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले आओ। ओके सर। हमारे गांव वाले सोचते हैं कि आप दुश्मनों से डरकर भाग गए छोटे मालिक। वो जो सोचते हैं सोचने दो, कुत्ता पहाड़ पर चढ़कर भौंकेगा तो उससे पहाड़ को शर्म आएगी। हाँ, शांत रहने में क्या बुराई है? बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी आपको मारना चाहता है और मौके की तलाश में है भाई। देखो, जैसे हम बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। मुझे दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर। बाल रेड्डी गुस्से में नहीं है, उसे डर है और वो नहीं जानता डर को बयां कैसे करे, इसीलिए मुझे मारने की अफवाह फैला रहा है। प्यार या नफरत करने के लिए चेहरा जरूरी होता है, इसलिए यहां है ताकि दुश्मन मेरा चेहरा ना देखे। कितने दिनों तक हथियार लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे वो? मेरी दादी कहती है मारना हमारी फितरत है, दरअसल वो कह नहीं पाई कि यही हमारी कमजोरी है। मैं तो उनका पोता हूं, खुद को नहीं बदलूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? इसीलिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, तो अब मेरे कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, ये लो खा। छोटे मालिक, छोटे मालिक कहाँ कब कर हमारा क्या? ओसाना। हाँ छोटे मालिक। आओ। सॉरी ब्रदर, हर इंसान में एक बॉम्ब होता है ओसाना, उसे फटने पर मजबूर मत करो। चलो ये खा के मजा नहीं आएगा, तुम लोग रास्ते में कुछ खा लेना। माँ कैसी है? दादी तो ठीक ही होंगी, समझदार है। और ओसाना मालिक, गाड़ी जरा आराम से चलाओ, ज्यादा तेज मत जाना, संभल कर जाओ। ठीक है मालिक।